मेरा जस्ट जो मेरा ग्रेजुएशन का एग्जाम था वो निमसेट के एग्जाम के आसपास ही आ गया था। तब उस टाइम मम्मी को मैंने किसी तरह समझाया और मम्मी ने उस टाइम मेरा बहुत सपोर्ट किया। कह सकते हैं जो सुबह आ रहे हैं 8 बजे तक वो लगातार बस पढ़ ही रहे हैं, तो वो देख के थोड़ा डर लगा कि इतना भी कोई कैसे कर सकता है। तो वो कहीं ना कहीं जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे। चलिए एक और निमसेट 22 के टॉपर से मिलते हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक 115 है। नाम है गोपाल जो कि पटना बिहार से हैं। तो गोपाल सबसे पहले आपको 115 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और गोपाल ने लास्ट ईयर कंप्लीट भोपाल में रहकर स्टडी की 1 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम में, और क्लासरूम प्रोग्राम में बच्चों के एक्सपीरियंस काफी अलग होते हैं। तो गोपाल मैं ये जानना चाहूंगा कि सबसे पहले तो निमसेट का कब सोचा, फिर जब भोपाल आए तो कई बार पेरेंट भेजने से डरते हैं, और भोपाल इम्पिटस गुरुकुल का क्या एक्सपीरियंस रहा, मैं चाहूंगा आप ये बताएं सबसे पहले। तो वेल माय नेम इज गोपाल रंजन एंड आई हैव कंप्लीटेड माय बीएससी इन फिजिक्स ऑनर्स फ्रॉम पटना साइंस कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी। एक्चुअली जब मैं मतलब 12th में था तो मैं जेई का प्रिपरेशन भी किया था, बट उस साल नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। बट मैंने ड्रॉप लेने का ट्राई मतलब सोचा था, और मैं सेल्फ प्रिपरेशन से ड्रॉप ले रहा था, बट फिर मेरे को मतलब एक भैया ने ऑलरेडी सजेस्ट किया कि MCA भी होता है NIT से, तो तुम चाहो तो उसका भी प्रिपरेशन कर सकते हो। और मेरा क्योंकि 12th में मैथ्स अच्छा था, तो मैंने ये सोचा कि फिर ये एक मास्टर्स डिग्री है तो बेटर होगा कि बीटेक मैं दोबारा से तैयारी करूं, उससे अच्छा होगा कि मैं MCA ही कर लूं। मेरा एक डिग्री भी मतलब टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और एक हायर डिग्री भी मिल जाएगी। तो इस कारण से फिर मैंने MCA का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में दिक्कत आया, पापा को बोला, बट फिर उन्होंने पटना में हमारे मतलब एक कोचिंग था तो मैंने ज्वाइन किया, मैंने प्रिपरेशन भी किया, बट लॉकडाउन के कारण से वो चीज़ मेरा जैसे जैसे एग्जाम पोस्टपोन होते गया तो मेरा तैयारी था, बट उस साल नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। मेरा जस्ट जो मेरा ग्रेजुएशन का एग्जाम था वो निमसेट के एग्जाम के आसपास ही आ गया था, तो अनफॉर्चुनेटली उस साल मतलब मेरा 1347 रैंक था। बट मेरे को पता था कि चूंकि मैंने लास्ट मंथ कुछ नहीं पढ़ा था तो कहीं ना कहीं कमी मेरे तरफ से थी। तो जब रिजल्ट आ गया और जब मेरे 60% बने तो मैंने घर पे बात किया, तो उस टाइम फिर पापा मना करने लग गए कि नहीं दोबारा क्या। तब उस टाइम मम्मी को मैंने किसी तरह समझाया और मम्मी ने उस टाइम मेरा बहुत सपोर्ट किया, और कहीं ना कहीं मैंने जो भी डिसीजन लिया तो पापा का ना होते हुए भी मम्मी की वजह से पापा मान गए एट लास्ट। और नवंबर में मैंने इम्पेटस ज्वाइन कर लिया था, और उसके बाद जब मैं यहाँ इम्पेटस में आया तो फिर उसी के बाद मतलब यहाँ पर आने के बाद मैं सीरियस करने लगा स्टडी। तो कहीं ना कहीं मेरी मम्मी के ही कारण था कि मैं भोपाल आ पाया, और यहाँ पर आके मैं मतलब जो रैंक है वो कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से आया। तो देखिए अभी गोपाल ने कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली, बहुत समझने वाली बात है कि जेई के लिए प्रिपरेशन किया पर जेई के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं किया, नहीं हो पाया सिलेक्शन, देन ड्रॉप का मन था, पर ये एक अच्छा डिसीजन है। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि थ्रू MCA भी NIT में जाया जा सकता, पर क्योंकि इनको कोई समय पर गाइड करने वाला मिल गया। क्योंकि IIT के लिए क्या होता है कि जब तक आप 2-3 ईयर लगातार प्रिपरेशन ना करो, क्योंकि IIT केवल एक सब्जेक्ट पे बेस्ड नहीं है, PCM पे बेस्ड है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीन सब्जेक्ट को कवर करना, और अगर आपने पहले से अच्छे से तैयारी नहीं की तो कई बार प्रॉब्लम आ जाती, तो ये एक अच्छा डिसीजन था। फिर इन्होंने क्योंकि फाइनल ईयर के साथ किया पर अच्छे से नहीं निकाल पाए, एनीवे खैर आपने ड्रॉप लेकर इतनी अच्छी रैंक अचीव की, ये बहुत ही खुशी की बात है। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि भोपाल में आने के बाद, क्योंकि कई बच्चे जब निकलते हैं तो उनको बहुत सारे मन में शंका रहती है कि हॉस्टल में क्या होगा, क्या एटमॉस्फेयर है, कहीं मारपीट तो नहीं होती, तो उससे से बात कर सकते हैं कि नहीं, डाउट हैंडल होते हैं कि नहीं, तो उसको लेके आपका क्या अपना एक्सपीरियंस रहा वो बताओ। जब मैं भोपाल में स्टार्टिंग में आया तो यहाँ पर आकर के स्टार्टिंग में तो मैं जैसे ही कोचिंग में आया तो यहाँ पर लोग सेशंस में मतलब बैठ के पढ़ाई करते थे, तो वो 8 से 8 देख करके कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे लोगों का बहुत ज्यादा डेडिकेशन था। मतलब वो कह सकते हैं जो सुबह आ रहे हैं 8 बजे तक वो लगातार बस पढ़ ही रहे हैं, तो वो देख के थोड़ा डर लगा कि इतना भी कोई कैसे कर सकता है। बट मैंने ट्राई किया, बट मेरे से वो चीज़ लास्ट तक नहीं बना, बट मैं अपने तरफ से करते रहा वो काम। तो और जहाँ तक बात है हॉस्टल का, तो जब मैं बाहर आया था तो मुझे फूडिंग का मतलब मेरा आदत नहीं था, बट यहाँ आकर वो काफ़ी चीज़ मतलब जो आगे मेरे को फ्यूचर में हेल्प करेगा सीखने को मिला। लोगों का भी जहाँ तक बात है तो बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मतलब मेरा स्टडी में हेल्प किया यहाँ पर स्टार्टिंग में, और एंड में भी एग्जाम में मतलब जैसे देवेश भाई, हम लोग ये सब साथ ही में पढ़ा करते थे तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाता था, डिस्कशंस इजी पड़ जाता था, हम लोगों ने बहुत सारा मॉक भी साथ में सॉल्व किया लास्ट टाइम में, तो उन चीज़ों से काफ़ी हेल्प हुआ। बीच में थोड़ी बहुत दिक्कतें आई थी बट कहीं ना कहीं सब चीज़ मैनेज हुआ और लास्ट में सब कुछ अच्छा ही हुआ। तो गोपाल आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा भोपाल में, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप अपने जूनियर्स को और जो आने वाले हैं, जो जूनियर्स में हो सकता है फ्रेशर्स हों, जो ड्रॉपर्स हों,
तो ड्रॉपर्स बच्चों को कई बार ड्रॉप लेने में कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता हो सकता है। आपने भी ड्रॉप लिया तो आपके मन में कई बार ये विचार आया पता नहीं क्या होगा, ये बड़ा साल भर का डर रहता है। प्रेशर को ये डर नहीं होता, वो सोचता है ड्रॉप ले लेंगे, पर ड्रॉपर ये सोचता है कि अब मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो एक तो मैं जानना चाहूंगा कि उस फेयर को लेके आपने उसको कैसे हैंडल किया और अपने जूनियर्स को क्या मैसेज दोगे आप? जहां तक बात फियर का है तो एक होता है ना कि फियर आपको तभी होगा जब आपका कोई चीज वीक है, बट मेरे को पता था कि कहीं ना कहीं डर, कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मेरा पिछले साल क्या रहा, मैं टाइम नहीं दिया अच्छा से, या लास्ट मंथ का मेरा जो भी कमी रहा, तो मुझे इस बार ये पता था कि मुझे सिर्फ कंसिस्टेंट रखना है। और उसके अलावा टॉपिक में जब भी डाउट हुआ या फिर यहाँ पे नंबर मेरे कम आए तो फिर मैं सर से जब भी बात करता था तो वो 10 लेवल ऊपर ही लेके चले जाते थे। मतलब मैं जितनी बार डिमोटिवेट हुआ हूँ सर ने बस मोटिवेट कर दिया है, तो उसके बाद फिर अपने आप ही लगता था कि हाँ अब तो बस हो जाएगा। और बात वही है कि बहुत लोग चाहते हैं ऑनलाइन में भी अच्छा है, मतलब ऑनलाइन भी बहुत बच्चे निकालते हैं, बट सीन वही है कि अगर आप ऑफलाइन आते हैं तो ऑफलाइन से आपको एक आगे आने वाले समय के लिए अलग अलग चीजें सीखने को मिलती है जो कि बढ़िया, जैसे कि खाने की आदत या फिर दोस्ती किससे बनाना, किससे, बहुत सारी चीज हम घर में बैठकर नहीं सीख सकते हैं बाहर के लिए, तो वो कहीं ना कहीं जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे। तो इसलिए ऑफलाइन में, ऑफलाइन की जरिए बहुत सारी चीजें हमें सिखा जाती हैं रियल लाइफ को लेकर जो आगे अपने को काम आता है। तो देखिए जैसे गोपाल ने भी बोला, इनफैक्ट मैं हमेशा बोलूंगा चाहे ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें, अल्टीमेटली पढ़ने से कुछ होगा। अब जो ऑफलाइन वाले बच्चे होते हैं उनका एक्सपीरियंस ऑफलाइन वाला होता है, जो ऑनलाइन वाले होते हैं उनका ऑनलाइन वाला होता है। जैसे अब इनका एक्सपीरियंस काफी कुछ हुआ क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो ऑब्वियसली बहुत कुछ सीखते हैं, तो अब इनको NIT में जाके वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा जो बाई चांस कई बार फर्स्ट टाइम निकलता है, वो आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस कर लिया। तो ये अपने प्लस माइनस होते हैं खैर एनीवे, पर आपकी बहुत अच्छी रैंक है। वंस अगेंस्ट मैं आपको एक बार और कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को। थैंक यू।